दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धिविनायक सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वास्तु कुंडली विश्लेषण, करियर काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग, मैरिज गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमेशा से हम सबके मन में ये जिज्ञासा होती है कि आने वाला महीना हम सबके लिए कैसा होगा, और आज हम बात करेंगे मार्च 2018 के तुला चंद्र राशि के मासिक फल के बारे में। तुला राशि के जो नामाक्षर है वह है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के दो चरण, स्वाति नक्षत्र के चार चरण और विशाखा नक्षत्र के तीन चरण होते हैं। तो अब हम जानते हैं तुला राशि के व्यक्तित्व के बारे में। ये लोग शुक्र के प्रभाव के कारण खेल कूद, काल्पनिक और कला के क्षेत्र में विशेष रुचि होती है। ये लोग ईमानदार, समझदार, उदार, प्रेम के भूखे, दूसरों को प्रोत्साहन और सहारा देना इनका स्वभाव होता है। इनमें लोगों को मंत्र मुक्त करने की शक्ति होती है। ये सीधे, संस्कारी और आज्ञाकारी होते हैं। ये घर पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ब्राह्मणों, भगवान और ज्ञानी पुरुषों के भक्त होते हैं। इन्हें ढींगे मारना, चुगली करना और जल्दबाजी की आदत होती है। क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए आपका झुकाव कला के क्षेत्र की ओर होता है। यह जल्दबाजी होते हैं, इनका नुकसान घाई-घाई में किए हुए निर्णय से होता है। इससे बचने के लिए उन्हें किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से मून स्टोन 5.5 ज्योति के ऊपर का पहनना चाहिए। यह लोग वकील, जज, आर्किटेक्ट, संपादन, लेखन, गायन, संगीत, खेलकूद, होटल, आभूषण, हीरे विक्रेता, साहित्य इनके मनपसंद व्यवसाय होते हैं, या फिर इस व्यापार के क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। तुला राशि वालों की मार्च महीने की ग्रह स्थिति इस प्रकार है। तुला में चंद्र गुरु, वृश्चिक में मंगल, धनु में प्लूटो और शनि, मकर में केतु और कुंभ में सूर्य, शुक्र, नेपच्यून और बुध अस्त है। मेष में हर्षद और कर्क में राहु है। इनका स्वास्थ्य इस महीने में अच्छा रहेगा, लेकिन छोटे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, जैसे कि आंखों की बीमारी, शुगर, पेट की बीमारी इत्यादि। घर पर अशांतिपूर्ण वातावरण बन रहा है, पिता का विशेष ध्यान रखें। पत्नी से सहयोग प्राप्त होगा और धन लाभ होगा। बच्चों का ध्यान रखें। जो लोग घर खरीदने की सोच रहे हैं वह थोड़ा सावधान रहे और इस महीने में घर न खरीदे। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन उन पर मुसीबतें आ सकती है। प्रेमियों में अच्छा रोमांस होगा, लेकिन ध्यान रखें। अविवाहित लोगों के लिए खुशखबर है, विवाह के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। इस महीने में बॉस से नहीं उलझे, अन्यथा नौकरी गंवानी पड़ सकती है। साझेदारी में व्यवसाय इस महीने में नुकसान होगा। इस महीने में कोल्ड के मामले से बचे रहे। ईशान दिशा में आपको प्रवास करने से लाभ होगा। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए शुभ समय है। जो लोग शिक्षा, बैंकिंग, हीरे के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह महीना मध्यम है। और जो लोग राजनीति, सोना, फिल्म इंडस्ट्री और कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। तुला राशि वालों को भारी नुकसान घाई-घाई में किए हुए निर्णय से होता है। इससे बचने के लिए उन्हें किसी अच्छी ज्योतिषी की सलाह से नीलम 5.5 रति का अथवा मून स्टोन 5.5 रति के ऊपर का पहनना जरूरी है। हमने काफी तुला राशि वालों के घर में पूर्व दिशा में दोष देखा है, जिस वजह से घर वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल सके। धन्यवाद।